ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मौका मिले तो भारतीय भी सफल प्रयोग करने में पीछे नहीं है। वैसे भी इंडियन जुगाड़ टेक्नोलॉजी खोजने में माहिर है। अब आप इससे प्रयोग कह लें या फिर जुगाड़ टेक्नोलॉजी, लेकिन सीहोर के एक निजी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग विभाग के एक अध्यापक ने ऑटो इंडस्ट्री को राह दिखाने की कोशिश जरूर की है। अगर ऐसे प्रयोग सफल होते हैं तो वाहनों के लिए ईंधन का ये बेहतर विकल्प हो सकता है। देखिए इस रिपोर्ट पर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच लगातार विकल्पों की खोज जारी है, लेकिन हमारे बीच में कई ऐसे हुनरमंद भी मौजूद हैं जो इस दिशा में देश को नई राह दिखा सकते हैं। तस्वीरें सीहोर के एक निजी विश्वविद्यालय की हैं। यहाँ सबसे पहले आप इस बेहद पुरानी कार पर नजर दौड़ाइए। सामान्य अंदाज में चलने वाली ये छोटी कार सामान्य तो बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इस कार को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल नहीं चाहिए। मन में सवाल जरूर होगा, तो इस कार में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है? आखिर ये कार किस ईंधन से दौड़ रही है? तो जनाब, ये है जुगाड़ की इंडियन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, इस पुरानी कार को महज 40,000 रुपए में दौड़ाने लायक बना दिया गया है। दरअसल इसमें कुछ बैटरी लगाई गई है। आखिर काफी मेहनत के बाद इस कार को दौड़ाने में सफलता हासिल हुई है। अब बैटरियों की मदद से ये कार करीब 80 किलोमीटर तक दौड़ सकती है, वो भी 4 लोगों को बैठाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। हमको ऐसा लगता है कि मतलब इस दिन के अंदर फिर दोबारा कार खड़ी कर देंगे। कुछ हमको 70,000-80,000 मजदूर मिल जाए तो हम एक नया इनोवेशन कर देंगे। दरअसल इस कार से पेट्रोल इंजन हटाकर साधारण BLDC इंजन लगाया गया है। इस कार में सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाली बैटरियों को लगाया गया है और उन बैटरियों को चार्ज करने के लिए कार की छत पर सोलर पैनल फिट किया गया है, जिसकी वजह से कार चलते हुए भी चार्ज होती रहती है। मानिए कि अगर कभी सोलर पैनल खराब हो जाए, मौसम साथ ना दे रहा हो, तो कार में लगी बैटरियों को चार्ज करने के लिए अलग से पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, जिससे बिजली के माध्यम से भी आसानी से इसे चार्ज किया जा सकता है। एक कार मिली पुरानी बात, उसको उसका मैंने ट्रेडिशनल इंजन निकाल करके पेट्रोल इंजन को, उसकी जगह मैंने BLDC मोटर लगाया और सोलर पैनल से चार्जिंग की, और कुछ सोलर पैनल से करीब लगभग 30 किलोमीटर की चार्जिंग हो पाती थी। तो कन्वेंशनल सोर्स मैंने 30 से ज़्यादा चलाना है तो इलेक्ट्रिक सपोर्ट दे दें इसको, इलेक्ट्रिकल सब कनेक्शन भी दे दिया इसका। अभी कितने लोग बैठ सकते हैं सर इसके अंदर? इसके अंदर 4 लोग बैठ सकते हैं। कितना गाड़ी रन करेगी एक बार में? एक बार में 80 किलोमीटर चल जाती है गाड़ी। तो चार्ज होने पे सोलर पैनल से कंटिन्यू चलती रहेगी? सोलर पैनल से 30 किलोमीटर आ पाते हैं, और मान लो 30 किलोमीटर से ज़्यादा की चाहिए हो अपने को माइलेज, तो अपने को एडिशनल चार्ज करना। अब आपको मिलाते हैं उस शख्स से जो इस पूरे प्रोजेक्ट के सूत्रधार हैं। ये है निजी विश्वविद्यालय के इंजीनियर विंग के प्रोफेसर संजय कलरैया, जिन्होंने एक पुरानी कार पर कई तरह के प्रयोगों के बाद इस मॉडल कार का निर्माण किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रोफेसर संजय कलरैया ने एक पुरानी कार को ई कार में तब्दील करने में महज 36,000 रुपए ही खर्च किए। हालांकि अभी इस कार में और दूसरे प्रयोगों के साथ सुधार की तैयारी है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल विभाग की मदद से उनके कुछ प्रोफेसर्स ने एग्जिस्टिंग सिस्टम को चेंज किया, उसमें जो कार का इंजन होता है उसको चेंज करके उसमें सोलर पैनल और बैटरी बैकअप दिया, जिससे ये कार अभी फिलहाल जो हमने अभी तक काम किया उसमें 60 किलोमीटर पर आर की रफ्तार, इसका अप्रॉक्सीमेट कॉस्टिंग आई है अभी फिलहाल 92,000 रुपीज़। हमारी पूरी कोशिश है, जब हमारी ये फार्मूला पेटेंट हो जाएगा हमारा, तो उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि इस कार की हम जो लागत है 92 से लगभग 70,000-75,000 रुपए तक ला पाएं, और हम कार का फ्रेम वगैरह भी हमारे विश्वविद्यालय में ही डेवलप करेंगे। यहाँ वाहनों में ईंधन के लिए नए विकल्प के तौर पर इसे जरूर पेश किया गया है,
वहीं ई कारों की ज्यादा कीमतों के बीच इस छोटे से आविष्कार या जुगाड़ तकनीक से नई क्रांति की संभावनाएं भी नजर आती है। जरूरत ऐसी कोशिशों को बढ़ावा देने की है ताकि न केवल ऐसी कोशिशों का लाभ देशवासियों को मिल सके बल्कि नए आविष्कारों के लिए भी उत्साहवर्धन हो सके। प्रदीप चौहान, सीहोर, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।